अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। देश को सन्न करने वाला श्रद्धा हत्याकांड अभी पुराना भी नहीं पड़ा था कि लखनऊ में निधि नामक युवती को चौथी मंजिल से फेंक दिया गया। आरोप है कि सूफियान नाम का पड़ोस में ही एक रहने वाला युवक निधि पर धन परिवर्तन के लिए बराबर दबाव बना रहा था। इसे लेकर घर पर झगड़ा हुआ और निधि छत की तरफ भाग गई। पीछे पीछे सूफियान भी पहुंच गया। आरोप है कि सूफियान ने उसे धक्का देकर नीचे फेंक दिया। पुलिस ने शुक्रवार की सुबह सूफियान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। 25,000 के इनामी सूफियान के पैर में गोली लगी है। सुबह ही पुलिस कमिश्नर की ओर से सूफियान पर 25,000 का इनाम घोषित हुआ था। मुठभेड़ की यह वारदात दुबग्गा इलाके में हुई है। सूफियान को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल दुबग्गा के ब्लॉक 41 में रवि गुप्ता परिवार के साथ रहते हैं, जबकि ब्लॉक 40 में सूफियान और उसका परिवार रहता है। निधि गुप्ता व सूफियान में प्रेम प्रसंग था। रवि गुप्ता ने पुलिस से शिकायत की है कि सूफियान निधि पर धर्म बदलने के लिए बराबर दबाव बना रहा था। इसका पता जब उन्हें लगा तो वह विरोध जताने सूफियान के घर पहुंच गए। इससे नाराज होकर सूफियान निधि के घर पहुंच गया। उसे बचते हुए निधि छत पर चली गई। पीछे पीछे सूफियान भी पहुंच गया। निधि की माँ लक्ष्मी गुप्ता के मुताबिक सूफियान ने उसे धक्का देकर नीचे फेंक दिया। जब उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो वह धक्का देकर भाग निकला। दुबग्गा पुलिस ने आज एक सूचना के आधार पर सूफियान को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिस पर सूफियान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक गोली सूफियान के पैर में जा लगी। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।